हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आ गया है, और उसके साथ साथ हम लोग लास्ट में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी देखेंगे जिसमें कि मुझे बहुत ही बढ़िया अपवर्ड पोटेंशियल दिख रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के वीडियो पे और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। हमारा पहला स्टॉक है नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक एक कंटिन्यूअस अपमूव में ही चल रहा है, और आप अगर नोटिस करेंगे स्टॉक में एक क्लियर वीकली ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम RSI को भी नोटिस करेंगे, RSI भी थोड़ा सा ही नीचे आया है 60 से, और उसके बाद वहीं से अपमूव करना चालू किया है। तो स्टॉक तो अभी बुलिश ही है। 5450 से 5500 का ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था, वो भी अप्रैल के महीने से, और उसके बाद से स्टॉक इसी लेवल को कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेता आ रहा था, और इस हफ्ते स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी नोटिस करने वाली है, स्टॉक कंटिन्यूसली 20 EMA के सपोर्ट में ही चल रहा है, और कहीं पर भी स्टॉक ने 20 EMA से नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, और अभी भी जो ब्रेकआउट का कैंडल बना है ये भी 20 EMA के ऊपर ही बन रहा है। चलिए अभी देखेंगे स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में ये जो अपमूव आया है ब्रेकआउट से पहले, ये काफ़ी फास्ट अपमूव आया है। यहाँ पे अगर इसको हम मेज़र करें, सिर्फ 4 दिन में स्टॉक में 25% का एक बढ़िया अपमूव मिला है हमें। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और शॉर्ट टर्म में भी RSI अगर आप नोटिस करेंगे ये 40 से 60 के बीच में ही चल रहा था, ये अभी 60 से ऊपर आ गया है। स्टॉक तो बुलिश है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और क्योंकि 25% का एक फास्ट अपमूव आ गया है, चांसेस है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो। तो मेरा व्यू ये है कि अगर थोड़ा सा डिप मिले हमें तो हमारे लिए एक बेस्ट बाय जोन रहेगा। तो 5500 तक या फिर इस कैंडल के नीचे तक भी अगर स्टॉक थोड़ा सा आता है रिटेस्ट करने के लिए 5180 के लेवल तक भी, तो वो हमारे लिए बेस्ट बाय जोन रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्टॉक यहीं से अपमूव करना चालू कर दे, तो ज़रूरी नहीं कि हम डिप आए तभी हम अपना बाय करेंगे। अगर प्राइस एक्शन सूट करता है, अच्छा प्राइस एक्शन हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलता है, तो हाई ब्रेक होने पे भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एम्फेसिस। ये स्टॉक को हमने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर लिया है जब हमने IT के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, तो ये जो 2800 का लेवल है इसको स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को नोटिस करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम नोटिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमको दिख रहा है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट होकर स्टॉक रिटेस्ट कर चुका है, और रिटेस्ट के बाद स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे RSI भी, और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे RSI काफ़ी बुलिश है। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था लेकिन 60 तक पहुँचा नहीं, ऊपर से ही 67 के लेवल से ही टर्न अराउंड किया है। तो स्टॉक अभी क्लियरली हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो चांसेस है कि स्टॉक यहीं से अपमूव करे या फिर थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा डिप में आके फिर अपमूव करना चालू कर दे। और अभी के लिए स्टॉक अगर थोड़ा सा हमें डिप में मिलता है, मतलब 2800 के लेवल के आसपास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, इसके आसपास अगर स्टॉक हमें मिलता है तो वो मेरे लिए एक बेस्ट बाय जोन रहेगा। लेकिन 2800 के नीचे स्टॉक मेरे लिए बेयरिश हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि स्टॉक काफ़ी बुलिश है, चांसेस है कि स्टॉक इतना ज़्यादा डिप में ना आए, तो प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है अंबिका कॉटन। ये स्टॉक को भी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद डिप में आ गया था, और कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें दिख रहा है, लेकिन इसको मैं एक रेंज ही बोलूँगी, और इस रेंज से ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज बन रहा था, यहाँ से ऑलरेडी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर आप नोटिस करेंगे ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, काइंड ऑफ मारुभुज कैंडल यहाँ पे बन रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे इसका वॉल्यूम भी काफ़ी समय बाद इतना अच्छा वॉल्यूम में स्टॉक में ट्रेड हुआ है।
और RSI में अगर हम नोटिस करेंगे, RSI कंटिन्यूसली 40 से 60 के बीच में ही था, और ये जो 60 के ऊपर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आया है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी एक डिसाइसिव अपमूव हमें RSI में देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो लास्ट दो दिन का कैंडल बना है ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही बड़े कैंडल्स बन गए हैं। अगर मैं इसको मेज़र करूँ तो लास्ट दो दिन में ही स्टॉक में 20% का अपमूव हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर ये ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करेंगे, आप देखेंगे लास्ट टू डेज़ का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम एक्युमुलेशन लास्ट वीक का काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है। और RSI को भी अगर आप नोटिस करेंगे ये ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो क्योंकि ऑलरेडी 20% का अपमूव भी आ गया है और RSI भी ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। तो स्टॉक में अभी थोड़ा अगर डिप हमें मिलता है प्रॉफिट बुकिंग के समय, तो हमारे लिए ये जो 1860 का लेवल है, 1850 1860 का लेवल है, ये एक बेस्ट बाय जोन रहेगा। स्टॉक काफ़ी बुलिश है, ज़रूरी नहीं यहाँ से डिप मिले ही हमें, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपना डिसीजन प्लान करें। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे, इस लेवल पे 2000 के लेवल पे हमें एक और माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 2000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस लेवल से अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलता है और स्टॉक सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ पे 2830 के लेवल तक का एक काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। तो अगर ये 2000 का लेवल पार हो जाता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ पे दिख रहे हैं, एक 2540 के लेवल पे, दूसरा 2685 के लेवल पे, और फाइनली 2830 के लेवल। तो आप स्टॉक में जब प्लान कर रहे हैं ये रेजिस्टेंसेस को ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है GHCL टेक्सटाइल्स। इसको कंफ्यूज मत होइएगा GHCL लिमिटेड के साथ, हम लोग बात कर रहे हैं GHCL टेक्सटाइल्स के बारे में। स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई जोन पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 96-97 का ये जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस हफ्ते। अगर आप नोटिस करेंगे इस हफ्ते का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी 60+ है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो वॉल्यूम है वो स्टॉक का लाइफ का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। और यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं RSI 60 से ऊपर आ गया है। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन फिर भी अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में काफ़ी फास्ट अपमूव हमको देखने को मिला है स्ट्रेट 14% का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ भी है, तो स्टॉक अगर हमें थोड़ा सा डिप में मिलता है तो वो मेरे लिए एक बेस्ट बाय जोन रहेगा। और उस केस में हमें ये जो कंसोलिडेशन जोन बना है इस कंसोलिडेशन का डेप्थ हमें आगे टारगेट की तरह मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है BEPL, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और जो मैंने बात किया था शुरुआत में कि हम एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट को भी देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी 2018 से ये जो लेवल है हमारा 140-150 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और 2024 में फाइनली स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट आया है। तो करीब 6 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ये एक कप एंड हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रिटेस्ट तो हुआ है लेकिन स्टॉक थोड़ा सा नीचे और आया है। ये जो हमारा लेवल था 140-150 का, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 135 के लेवल पे। सो यहाँ तक नीचे आके स्टॉक अपना अपमूव किया है। तो ये जो 135-136 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आगे बन सकता है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे RSI क्लियरली हमें दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। जब स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, RSI नीचे तो आया था लेकिन 60 के लेवल तक पहुंचा भी नहीं, 63-64 के लेवल से ही यहाँ पे टर्न अराउंड किया है।
और आप नोटिस करेंगे ये जो ब्रेकआउट का समय वॉल्यूम था ये काफ़ी बड़ा बड़ा वॉल्यूम दो आया है, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उस समय वॉल्यूम कम हो गया है। सो ये स्टॉक में भी हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक कंटिन्यूसली 20 EMA को यहाँ से सपोर्ट लेके चल रहा था, लेकिन जब स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है स्टॉक 20 EMA को ब्रेक किया था, लेकिन फिर से स्टॉक ने 20 EMA को रिक्लेम किया है और वहीं से सपोर्ट लेके अपना अपमूव किया है। और अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और RSI भी 60 से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इसलिए हाई ब्रेक पे भी एंट्री किया जा सकता है और 165 तक का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो ये जो 165 का रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट होने के बाद भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये जो लेवल है 132 का, ये स्विंग का लो, इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो मेरे लिए स्टॉक बेयरिश हो जाएगा। और क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो सकता है, जैसा कि आपने वीकली टाइम फ्रेम में देखा यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। तो स्टॉक में हमें ये जो हैंडल है और ये कप है इसका जो डेप्थ बनेगा ये पूरा डेप्थ का हमें आगे टारगेट मिल सकता है। ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स, इसके साथ मैं 3 बोनस स्टॉक्स को भी डिस्कस करूंगी। ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और इनमें भी मुझे वीकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना लिए हैं, आप अगर देखेंगे ये एक फार्मा का है और ये एक फार्मा का वीडियो है, ये दोनों में हमने काफ़ी सारे फार्मा के स्टॉक्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा है अभी भी आप देख सकते हैं, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, पहला है एलेम्बिक फार्मा। इसमें ऑलरेडी हमारे लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, अगर आप नोटिस करेंगे 1100 से 1130 का ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे हमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। और जैसा कि मैं बोलती हूँ हर बार, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छे अपसाइड पोटेंशियल मिलते हैं, तो ये स्टॉक को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है सन फार्मा। ये स्टॉक को भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था और फार्मा स्टॉक्स में भी हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें एक वीकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक 20 EMA से सपोर्ट लेके अपमूव किया है, तो ये स्टॉक में भी हमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है। तीसरा है डिवीज लेबोरेटरी। ये स्टॉक में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट से पहले स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे 5-6 हफ्ता कंसोलिडेट किया है और उसके बाद ही ये ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक भी अगर आप नोटिस करेंगे 20 EMA से सपोर्ट लेके यहाँ पे चल रहा है और बढ़िया एक कप पैटर्न से यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स, लेकिन ज़रूर ये भी ध्यान में रखें ये स्टॉक्स को आपको अपने वॉचलिस्ट में रखना है, ट्रैक करना है और प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही इनमें ट्रेड प्लान करना है। या फिर अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही स्टॉक में ट्रेड प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।